हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे आज नेट एग्जामिनेशन विषय के संदर्भ में बात करूंगा। कैसे जो है हिस्ट्री विषय से नेट को क्वालिफाई किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे नेट एग्जामिनेशन को लेकर के परेशान होते हैं और इसे बहुत कठिन समझते हैं। हिस्ट्री एग्जामिनेशन में जो दिक्कत आती है वो आती है कि बच्चों का सब्जेक्ट्स के प्रति, सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है और बहुत बच्चों की, विद्यार्थियों की ये समझते हैं कि बहुत फैक्चुअल जानकारी, नेट पास करने के लिए फैक्चुअल जानकारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फैक्ट्स के साथ साथ सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट्स का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। लगभग 65% जो प्रश्न आते हैं वह सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग से आते हैं, क्लैरिटी से आते हैं, उनके डेवलपमेंट से आते हैं। जिन बच्चों का सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी होती है, या सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी का मतलब सब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, हर विषय का कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरह इतिहास का भी कॉन्सेप्ट होता है। इतिहास में कोई भी घटनाएं अचानक नहीं होती हैं, वो एक क्रम में होती हैं, एक क्रोनोलॉजी में होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, उसको समझना चाहिए। सर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक वैदिक समाज है, एक उत्तर वैदिक वाली समाज है, बौद्धकालीन समाज है, महाजनपदों का समय है, मौर्यकालीन समाज है। मौर्यकालीन समाज है, उसके जो है लेटर मौर्य है, गुप्ता पीरियड है, पूर्व मध्यकाल है, मध्यकाल है। इस तरह बढ़ते हुए हम आधुनिक काल तक आते हैं, तो एक तालमेल है, क्रोनोलॉजी है सब्जेक्ट्स को समझने की। अगर अभी हम समाज की बात कर ऋग्वैदिक समाज है, तो ऋग्वैदिक समाज में हम जो चीजें देखते हैं, हमारा रिटेन कॉन्टेक्स्ट मिलता है ऋग्वैदिक समाज के बारे में, तो ऋग्वैदिक समाज में जो परिवर्तन है वो उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। महाजनपदों तक आते आते सामाजिक ढांचे में परिवर्तन दिखने लगता है, मौर्य काल में भी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन दिखता है, फिर उत्तर मौर्य काल में भी जो है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन दिखने लगता है, फिर गुप्त काल आता है, गुप्त काल के भी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है, उत्तर गुप्त काल के भी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है, पूर्व मध्यकाल आता है उसके सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है। इस तरह से हम देखते हैं, फिर मध्यकाल में हम चले आते हैं, दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, फिर जो है मुगल का पीरियड है, फिर जो दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्य हैं, या उनके सामाजिक स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन है, स्लाइटली थोड़ा सा अंतर है। उधर आदमी काल आ जाते हैं, तो जो इस सारी चीज़ों का जो परिवर्तन है, समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो पहले तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, एक एक चीज़ को समझना चाहिए। समझने का तरीका क्या है, सपोज कि मान लेते हैं आप ऋग्वैदिककालीन समाज पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वैदिक समाज में क्या है, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, ये पहली चीज़ जानिए। वो देखिए उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, उत्तर वैदिक महान जनपद काल आया उसमें वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, उत्तर मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, गुप्ता पीरियड में वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, उत्तर गुप्ता पीरियड में वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन। इसी तरह मौर्य ऋग्वैदिक कालीन समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महाजनपदों के समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, मौर्य काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, उत्तर मौर्य काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, गुप्ता पीरियड महिलाओं की क्या स्थिति थी, या
पूर्व उत्तर गुप्ता काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। इसी तरह आता है व्यापार, हम देखते हैं व्यापार। देखिए ऋग्वेद काल में व्यापार का क्या स्वरूप था, व्यापार किस तरह से होता था। फिर आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल में व्यापार के तरीके में क्या परिवर्तन आया, उत्तर क्या परिवर्तन आया। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो महाजनपदों के समय में व्यापार के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, मौर्य काल में व्यापार के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, फिर उत्तर मौर्य काल में व्यापार के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, गुप्ता पीरियड में व्यापार के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, और उत्तर गुप्ता पीरियड में व्यापार के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया। इसी प्रकार जब हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था कैसी थी, उत्तर भाग में राज शासन व्यवस्था में क्या चेंजेज आए। फिर इसी तरह से हम करते उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, फिर जब महाजनपदों के समय में देखेंगे, मौर्य काल में देखेंगे, उत्तर मौर्य काल में देखेंगे, गुप्ता पीरियड में देखेंगे, उत्तर गुप्ता पीरियड में देखेंगे। यही सारी चीजें टॉपिक है, नारी की स्थिति कैसे बदल रही है, मौर्य ऋग्वैदिक काल में नारी की स्थिति क्या थी, उसको कोई क्या अधिकार थे, उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, फिर मगध महाजनपदों के समय में नारी की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, मौर्य काल में नारी की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, उत्तर मौर्य काल में नारी की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, उत्तर गुप्ता काल में नारी की स्थिति में क्या परिवर्तन, उनकी सामाजिक हैसियत क्या हो गई। इसी तरह सारी पहलुओं को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तब एक विषय बेहद संकल्पना जो है विषय की बेहद संकल्पना बनेगी। इस तरह सभी सेक्शन को बांट के देखना पड़ेगा ऋग्वैदिक काल से लेकर उत्तर गुप्ता पीरियड तक। आपको जब तक आप सभी इस डेवलपमेंट को नहीं समझेंगे, किसी भी उत्तर को किसी भी विषय की कहन की समझ आपको नहीं होगी, क्योंकि सब सो भी चीज़ें स्लाइटली परिवर्तन है। ऋग्वैदिक काल का समाज दूसरे तरह का है, उत्तर वैदिक काल में दूसरे तरह का है, पूर्व मौर्य काल में दूसरे तरह का है, मौर्य काल में दूसरे तरह का है, उत्तर मौर्य काल में दूसरे तरह का है, गुप्ता पीरियड में भी चेंजेज है, उत्तर गुप्ता पीरियड में भी चेंजेज है। इस तरह आपके पूरा प्राचीन भारत का डेवलपमेंट आपके समझ में आएगा। ट्रेड की स्थिति क्या देखते हैं, ट्रेड का स्वभाव क्या है, ऋग्वैदिक में बार्टर सिस्टम है, विनियम तंत्र व्यवस्था कहते हैं इसको, फिर उत्तर वैदिक काल में क्या स्थिति होती है, मौर्य काल में क्या स्थिति बनती है, उनमें कैसे स्लाइड परिवर्तन आ रहे हैं। इन्हीं सारे पहलुओं को जब हम ध्यान देंगे समझेंगे तब जा करके हम प्रश्न का सटीक उत्तर देने की स्थिति में होंगे। और यही बात नहीं है, जब हमारे पढ़ने का अप्रोच ये होना चाहिए कि हम ऋग्वैदिककालीन समाज से उठा करके और आधुनिक पूरा मिडवर पीरियड तक के समाज को एक साथ देखें, समझें कि ऋग्वैदिक काल में हमारी सामाजिक स्थिति क्या थी, समाज कैसा था, और लेट मुगल तक सामाजिक स्थिति क्या बनी। मुगल तक मतलब 1707 तक आप समझ लीजिए, औरंगजेब तक इतना था कि आप डेवलपमेंट समझते हैं। एग्रीकल्चर टॉपिक एग्रीकल्चर देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में कृषि क्या थी या नहीं थी, कृषि का कॉन्सेप्ट था कि नहीं था, जब कैसे लोगों का जीविका का साधन क्या था। जब जीविका के साधन में आते हैं धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो ये पूरा हम डेवलपमेंट जो देखेंगे वो मुगल काल में औरंगजेब तक देखेंगे कि लैंड की क्या स्थिति थी, ऋग्वैदिक समाज जब ऋग्वैदिक काल में लैंड की क्या पोजीशन थी, लैंड का क्या महत्व था, जमीन की क्या महत्व थी, कृषि का क्या महत्व था कि नहीं था, और उत्तर वैदिक काल में मतलब ऋग्वैदिक काल से शुरू होकर के मुगल काल तक जमीन के स्वरूप में, जमीन के मालिकाना हक में, जमीन के उत्पादकता में, जमीन पर जो कर प्रणाली कर लगते थे उसमें क्या क्या परिवर्तन आए। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था, अगर अर्थव्यवस्था पर हम विचार करें, सपोज अर्थव्यवस्था मान लेते हैं, भाई कोई भी समाज रहता है तो उसके लिए खाने पीने रहने से कोई आदमी किसी भी एक
सारी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता, सारी वस्तुओं को अरेंज एक साथ नहीं कर सकता, उसमें मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो कुछ आपस में समाज का स्वभाव होता है कि वो वस्तुओं को आपस में बांट ले कि भाई तुम इस चीज का उत्पादन करोगे, मैं इस चीज का करूंगा, तुम इस तरह का करोगे, तुम ये चीज मुझे ला के दोगे, मैं तुमको इसके बदले ये दूंगा। तो ये जो डेवलपमेंट हमारे, मतलब ये मोटिवेशनल वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट की गहराई में नहीं जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच आपके दिमाग में बने कि हमें इतिहास पढ़ते वक्त क्या ध्यान रखना है। मैंने कहा ना कि आप ऋग्वैदिक काल से समाज का टॉपिक उठाते हैं, ऋग्वैदिक काल से समाज का टॉपिक आप औरंगजेब तक देख लीजिए, अर्थव्यवस्था देखते हैं ऋग्वैदिक काल से, अर्थव्यवस्था आप जो है मुगल काल के अंत तक देख लीजिए, 1707 तक, लेटर मुगल छोड़ दीजिए। लेटर मुगल जो आपको देखना होगा तो आधुनिक संदर्भ में जब बात करेंगे, आधुनिक काल की जब बात करेंगे तो वहां से आप डेवलपमेंट देखिएगा। ये चीज है, इतना बस ध्यान में रखना आपको। अर्थव्यवस्था है देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया, फसल जो है किस पीरियड में किन फसलों को ज्यादा महत्व दिया गया और उन महत्व क्यों, कोई भी फसल का उत्पादन डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। और उसमें फसलों के उत्पादन में, खेती बाड़ी में हमने जो है किन तकनीक का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी तो मानव ने अचानक तो लाई, मानव ने का विचार तो अचानक टेक्नोलॉजी की तरफ तो गया नहीं होगा। जब उसमें अचानक कुछ चीज़ें उसके सामने आई होंगी तो उसने सोचा होगा कि हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी होगी तो हम अपना प्रोडक्शन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उसी तरह की एजुकेशन, मतलब उसी तरह जो ये व्यवस्थाएं हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये मोटा मोटा नटसेल में ये सीधे सीधे समझिए कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच बनाना पड़ेगा। धन्यवाद।